अच्छा बाबा हाँ पा चूंगा एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस ला, मतलब एमपीएस ला केतरन केसेस में पान मशीन्स में या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करूँ था। सो इन पा ढी सादी पानी पे गाल कंदासी। बो मेन एप्लीकेशन जी ते डिस्कस सोलेनाइड बो आए टोराइड। हाँ सोलेनाइड बुनियादी तौर पर उन सोलेनाइड की फील्ड वरी की होंगी इनके पान थोड़ा डिस्कस क्यों। ऐसो सोलेनाइड तमाम सिंपल एक स्ट्रक्चर आ, तो आयरन कोर खो जो सिलेंड्रिकल शेप जो हो, आयरन कोर आयरन होने के पा खूँ था। आयरन की रिलेटिव परमिबिलिटी है, आयरन फेरो मैग्नेटिक मटीरियल आको एज अ मैग्नेट बिहेव करे तो ठीक है। अच्छा उन इन आयरन के मथा टिश्यू पेपर टाइप एक मटीरियल हों जैसे अस हूँ इंसुलेटेड पेपर फॉर मैग्नेटिज्म। हाँ वो इंसुलेटेड पेपर पे चाढ़ो, उन कॉपर की वाइंडिंग कर, कॉपर छे बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेहतरीन कंडक्टर सिल्वर आ, पर उनकी मेल्टिंग पॉइंट घट होने के पा चाहूँ हीटिंग इफेक्ट पैदा थो तो कॉपर की गाल लगे। हाँ कॉपर वायर जो मथा पा वेड़े रखी आवाजों करंट, जी करंट दी तो इन कंडक्टर की जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ कंसंट्रेट थी इन आयरन के अंदर। हाँ खबर चाहिए जो स्ट्रेट वायर हो ना तो स्ट्रेट वायर में इनकी फील्ड ही पकड़ियल होंगी, पर जी वाउंडेड कंडक्टर आ तो इनकी फील्ड भी डेफिनेटली पकड़ियल ही आए, पर ही फील्ड चई सके तो इन आयरन में कंसंट्रेटेड थियल होंगी या आयरन में कंसंट्रेटेड जाम होंगी छी क्वाइल टाइप आ नहीं। तो ऐसो इन पर्टिकुलर पोर्शन में जी शिद्दत है या इंटेंसिटी आ फ्लक्स की या फील्ड इंटेंसिटी जैसे पा चाहूँ वह रिलेटिवली होंगी इन पोर्शन में, इन पोर्शन में भी होंगी या इन पोर्शन में होंगी। तो सिंपली पा गल था कि फ्लक्स डेंसिटी इतने तुम इंक्रीज कर या मैक्सिमम कर दिस अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड ए सोलेनाइड। सोलेनाइड इस्तेमाल किया वे तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तक एमपीएस में वादे तरीके से चल आ तो रिलेटिव परमिबिलिटी जो इंक्रीज कर तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी, यह गल पा कही। सो सेम कैन बी रिपीटेड हेयर। अच्छा फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम किथे होंगी, इन साइड द सोलेनाइड, आउटसाइड जीरो होंगी, इतने भी जीरो होंगी। अच्छा इन पोर्शन में भी जो गाल जीरो होंगी बिकॉज इट कैरीज नो एनी करंट, इतने मिनिमम होंगी बिकॉज देयर इज अ वेरी नेग्लिजिबल न होने के बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड मैक्सिमम होंगी। हाँ उनको डायरेक्शन पान कि अगेन वी गो थ्रो बाय मीन्स ऑफ फ्लेमिंग राइट एंड रूल। ऐसो फ्लेमिंग राइट एंड रूल के मुताबिक पान कल अ गाल कई प्रीवियस लेक्चर में, तो जैसे करंट अवजो स्ट्रेट आ तो फील्ड अवजी सर्क्यूलर आ अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल। अच्छा सेम कैन बी रिपीटेड, तो जैसे फील्ड सर्क्यूलर होंगी तो करंट भले स्ट्रेट खो। हाँ भला जो जैसे करंट सर्क्यूलर खूँ तो फील्ड वरी स्ट्रेट थी, आइदर थंब ऑफ योर राइट एंड और फिंगर्स, फिंगर्स इन सर्किल इफ करंट देन थंब इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हाँ ये गाल कर सकते थी ही जो तुम वेड़ो आ ही वेड़ो आयो कड़े तरीके से वेड़ो आ जैसे दिखो वे क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज बेटा दिसो था ही इनको जो कंडक्टर आ तार आो सामू खाए ना मन सामू खाए मतलब इतना खाए फेस आ तो अल्टिमेटली इनके पा अड़े तरीके से समझो। अच्छा ही वो जो फेरो सामू कर समझाऊँ था तो दिसो एंटी क्लॉकवाइज आ तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल इफ करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो राइट एंड जो थंब आज वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्टेड है इन तरीके से तो फ्लक्स डेंसिटी जी होंगी तल कर सको था फ्लक्स डेंसिटी जो अंदर प्रोड्यूस उनको डायरेक्शन वो ही होंगे सिंपली। इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज तो फ्लक्स डेंसिटी वुड बी राइट वर्ड पो लेफ्ट वर्ड नहीं चई सके तो कड़ो रूल आ फ्लेमिंग रूल आ। अच्छा पर जहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट उबतो कयो था उबते जो मतलब यो है जे करे ता डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज कयो था पो छा थिंदो ता पजे इन राइट हैंड के ताने ही करे वठो। अजा दिसो गाड़े जे के सर्कलमेंट ऑफ योर फिंगर आ यो क्लॉकवाइज आ, इफ करंट फ्लोस क्लॉकवाइजली देन फील्ड वुड बी इनवर्ड, इनवर्ड जो मतलब आ इट वुड बी राइट वर्ड एंड वाइस वर्सा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ता ही मालूम करे सको था बाय मींस ऑफ फ्लेमिंग रूल। ओके हाने फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम किथे हुंदी विद इन द सोलेनाइड, जेका फ्लक्स डेंसिटी बी आ इट इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पोजिशन हर हद सागी हुंदी विद इन द सोलेनाइड ठीक आ। अच्छा डायरेक्शन छा हुंदो यो थियो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जो डायरेक्शन छा हुंदो त
तो वेरी सिंपल इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड जो एक्सिस ऑफ सोलेनाइड आ उन जी तरफ हों सिंपली हाँ ढो सिंपल कॉन्सेप्ट है जो पानी तरीके से डील क्यों अच्छा फ्लक्स डेंसिटी जो मैग्नीट्यूड केतो हों तो मैं सिंपल लिखा तो इट वुड बी म्यू नॉट एन आई अपॉन एल वेयर एन अपॉन एल इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ तो यह फ्लक्स डेंसिटी तो इन तरीके से लिखी सो म्यू नॉट इन टू एन आई स्मॉल एन आई जो तरीके से लिखी सो ठीक है सो ही फील्ड है जैसे पान चाहता सोलेनाइडल फील्ड ओके डायरेक्शन कड़े रूल से तुम अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ठीक है अच्छा स्प्रिंग जो होंगे ना उन्होंने ही तो रूल अप्लाई कर सकता मिसाल तौर को स्प्रिंग आ उनके पान करंट दूँ तो स्प्रिंग में जो लूप हों तो करंट भी डेफिनेटली उन लूप के मुताबिक होंगे तो फ्लक्स डेंसिटी वुड बी स्ट्रेट चई सके तो अच्छा जैसे कें स्प्रिंग के पान करंट दूँ तो जैसे पुछो वे वॉट हैपन इफ करंट फ्लो थ्रू द स्प्रिंग तो डू रिमेंबर इट वुड बी सिंपली कंप्रेस्ड स्प्रिंग कंप्रेस जो फ्लक्स डेंसिटी आने अलॉन्ग द एक्सिस कंप्रेस कहती बिकॉज इट बिहेव एज अ सोलेनाइड जनरली कैन से ओके हाँ वे पा अचूँ जैसे इन सोलेनाइड के पाड़े सर्क्यूलर शेप में खड़ी अचूँ छे सिलेंड्रिकल शेप हुई ना हाँ या सर्क्यूलर जैसे सर्क्यूलर शेप में खड़ी अचूँ तो इन अरेंजमेंट जो पा नालो रखूँ दैट वुड बी द टोराइड इन फील्ड के पा चवी टोराइडल फील्ड हाँ इतने ढो सादो सिंपल आने गाल कर सको बुनियादी तौर पर सर्क्यूलर सोलेनाइड है सर्क्यूलर सोलेनाइड इज कॉल्ड टोराइड ही आम तौर पर इस्तेमाल पे वे तो में मोटर में जो आर्मेचर हों जनरेटर में जो आर्मेचर हों उनमें असा या जो टोराइड है ये इस्तेमाल पा क्यों हाँ ध्यान अवा दे करंट तो डेफिनेटली करंट फ्लो तो हिंसर अं पा पढ़ो इन अकॉर्डेंस विथ एम्पियर्स ला देयर वुड बी मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड विद इन द एक्सिस या विद इन द पर्टिकुलर टोराइड द फील्ड वुड बी मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एवरीवेयर अच्छा व्हाट यू सजेस्ट फॉर फील्ड एट द इनर एंड द आउटर एजेस इतने भला फ्लक्स डेंसिटी केतरी होगी जैसे पा पुछे ऐसो देयर वुड बी नथिंग टू डू विथ फ्लक्स डेंसिटी इतने कुछ भी ना हो अच्छा व्हाट वुड बी फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर सेंटर की भी का फ्लक्स डेंसिटी कौन होंगी बिकॉज इट कैरीज नो एनी करंट भला वो फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम होंगी कितने इनसाइड माना इन अंत होंगी ठीक है फ्लक्स डेंसिटी जड़ी इतने होंगी फ्लक्स डेंसिटी सागी इतने होंगी अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़िया है अच्छा वट वुड बी फ्लक्स डेंसिटी होंगी केतरी भला इन पा जैसे गाल क्यों तो द फ्लक्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म इनसाइड द टोराइड टोराइड में मैक्सिमम होंगी अच्छा मैथमेटिकली उनके पा की डील क्यों इट वुड बी म्यू नॉट इन टू एन आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर ऐसो टोराइड अवानों सर्क्यूलर में शेप में है ना तो गाल कंदी सर्कम्फ्रेंस की जैसे अवान सिलेंड्रिकल शेप की गाल कर तो सिंपली तुम गाल क्यों लेंथ की तो फर्क इतने यो ही अच्छा नंबर बी गाल में जो इंपॉर्टेंट आ फ्लक्स डेंसिटी जैसे तुम चाहो तो नंबर ऑफ टर्न बधाओ या वरी पान चाहता करंट बधाओ जो करंट ओतरो फ्लक्स डेंसिटी होंगी या जो नंबर ऑफ टर्न हों ओतरो फ्लक्स डेंसिटी भी पान चाहिए मैक्सिमम होंगी सो इन तरीके से पा फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर सकूँ हेयर आर इज द रेडियस रेडियस कड़ो छाते बटे रेडियस पे हाँ एक रेडियस है ही वो जैसे पान चाहता आर पर बयाद रेडियस पे बेटा एकड़ो है इनर रेडियस आर वन एंड बो आए आउटर रेडियस आर टू पान कड़ो वी जो विचवारो रेडियस है नो हाँ इन विचवारे रेडियस के पान की लिखा इट वुड बी एवरेज वैल्यू आर वन प्लस आर टू अपॉन टू एंड जो डायामीटर हों वो भी कड़ो हों एवरेज डायामीटर जैसे वो इन टर्म्स ऑफ डायामीटर तो एवरेज कर वो तो ढो सिंपल आने इनर एंड आउटर रेडियस की कहानी मिलल है तो पा एवरेज वी तो दिस अरेंजमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज टोराइड ठीक है अवे बुक में बुट इन सोलेनाइड एंड टोराइड बिन्हीं जहाँ वो एग्जाम्पल थे पैन वो एग्जाम्पल जरूर कजो जरूर माना एनी हाओ कजो इन मता नुको नुको अचे तेज कर यो जरूर तक करो ठीक है बेटा खास तौर पर टोराइड जो जरूर कजो जैमें एवरेज वैल्यू ब मिलल एवरेज डायमीटर मिलल है ए मेन रेडियस तक उतना करो पव इो तक एनी हाओ करो इनकी प्रैक्टिस कजो इन बारे में ऐसे ओके सो हाँ हेल तीन पान डिस्कशन जो वो कयो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म माना करंट दियो तो फील पैदा थी यह पान गल गई हाँ वरी इन उबतड़ी थ्योरी भी है मतलब इन उबतड़ी थ्योरी आ
जैसे पान चाहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनके उपतरी भी थ्योरी आ जैसे वो पान चाहूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाँ हेल तुरा करंट दियो तो फील्ड पैदा थी पर हाँ वो पान चूँ तो उबती गाल मतलब करंट तुम पैदा कर फील्ड के जरिए हाँ एक साइंटिस्ट हो जो नालो माइकल फैराडे अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे इन्हें यह गाल कही तो वैन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस जडे ता मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कंदो कें भी पर्टिकुलर कंडक्टर में या कें भी पर्टिकुलर कंडक्टर में तो पोए या गाल कभी तो ईएमएफ उनमें पैदा थींदो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड या करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट दिसो फैराडे जो वेथो तो जेकर तुम कें कॉयल में करंट चेंज कंदो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कंदो तो पो लाजमी तौर ते उनमें ईएमएफ पैदा थींदो इन फिनोमेना जो नालो पान रखूंदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छा इन का पहले ओरस्टेट थ्योरी पढ़ी ओरस्टेट थ्योरी में होर चाहो तो करंट दियो तो फील्ड पैदा थे यहाँ गल थी हाँ वो उबती गाल हाँ चौदह न फील्ड चेंज कर तो वही करंट पैदा थी माना बई एक बे से उबतड़ है एक में करंट ए फील्ड की गाल तो करंट दियो तो फील्ड पैदा थे पर हाँ गाल कहीं पान उबती तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर तो करंट पैदा थी हाँ कें तो पैदा थे बेटा पानी की गाला अच्छा ही फिनोमेना माइकल फैराडे नी तो माइकल फैराडे के चबो ही इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ओके ही जेका फिनोमेना आहे इहा 100% रेसिप्रोकल आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जे द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन इज रेसिप्रोकल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उते जेका तव्हां गाल कयो था 100% ही रेसिप्रोकल आहे ठीक आहे सो ही ॾाढी सादी गाल आहे जंहिंखे पाण चवंदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाँ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सप्लेन तो क्यों पर पान कुछ गाल जरिए जैमें कुछ पान लॉज पढ़ूँ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हि लॉ पान के कड़े साइंटिस्ट ने पुट माइकल फैराडे दिनों तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाँ फैराडे की गाल करो कड़ी थोड़ा समझाया तो वही पान जहाँ कुछ एग्जाम्पल भी क्यों पुट फैराडे यह गाल करे तो तो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिस माना जदें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिस थी कें भी पर्टिकुलर कॉयल में तो पोए ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा थी माना वोल्टेज पैदा थो पुट दिसो था या करंट पैदा थो करंट दियो ना करंट प्रोड्यूस कर जी जनरेटर आ करंट पैदा कर वोल्टेज पैदा कर यह गल अच्छा एज लॉन्ग एज फ्लक्स चेंजिस माना जेस ताईं तां फ्लक्स चेंज कंदो तो तेस ताईं ईएमएफ एग्जिस्ट ईएमएफ तेस ताईं हुंदो पर जेकॾहिं चेंज न कंदो इफ चेंज इन फ्लक्स इज ज़ीरो जेकॾहिं तव्हां फ्लक्स चेंज न कंदो त पोइ सिंपल आहे करंट बि इंड्यूस कोन थींदो करंट इज ज़ीरो थींदो सिंपली ईएमएफ ज़ीरो थींदो सिंपली इहा ॻाल्हि कयूं हाणे ही लॉ जो पहिरियों हिसो ॾिसो लॉ हिकिड़ो ई आहे पर इनजा ॿ पार्ट आहिनि पहिरियों हिसो तव्हांखे कॉन्सेप्ट ॿुधाए थो ॿियो वरी हिसो इनजो डिटेल ॿुधाए थो डिटेल माना मैग्नीट्यूड ॿुधाए थो या फार्मूलो ॿुधाए थो ॿियो हिसो छा थो चए भरा त जेको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आहे उहा डिपेंड करे थो नंबर ऑफ टर्न ते माना जेतिरा टर्न वधीक हूंदा ओतिरो ईएमएफ जाम था थींदो ईअं कोन त स्ट्रेट वायर में कोन ॾिसो त मूं वाधे तरीक़े सां लिखियो त स्ट्रेट वायर में बि इंड्यूस थी सघे थो पर नंबर ऑफ टर्न वधायो त ईएमएफ वधंदो ऐं ॿियो डिपेंड करे थो तव्हां केतिरो तेज़ फ्लक्स चेंज कयो था माना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एज़ वेल ईअं बि त ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर हिकिड़ो नंबर ऑफ टर्न ऐं ॿियो पाण चऊं था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ठीकु आहे अच्छा नंबर ॿी ॻाल्हि डायरेक्शन हिते वरी असांखे माइनस ॿुधाईंदी हूंदा हिते जेको नेगेटिव साइन आहे इहो तव्हांखे डायरेक्शन ॿुधाए थो इंड्यूस करंट जो माना जेको करंट पैदा थींदो उनजो डायरेक्शन कीअं हूंदो त उनजे लाइ नेगेटिव साइन आहे ऐं इहा ॻाल्हि पुटु ध्यानु रखिजो त हिते जेका नेगेटिव साइन आहे इहा बुनियादी तौर ते ज़ाहिर करे थी लेंज़िस ला खे वरी हिकिड़ो ॿियो अंग्रेज़ो लेंज़िस ला असांखे छा थो ॿुधाए या लेंज़िस ला में छा ॿुधायो वियो आहे इट एक्सप्लेन और इट एक्सप्रेस द डायरेक्शन डायरेक्शन ॿुधाए थो छा जो इंड्यूस्ड करंट जो
हाँ ऐसो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कई माना यो एक्शन आ हर एक्शन जो रिएक्शन होंगे पुट जी तैंती एनर्जी दियो पे माना मिसाल तौर आऊँ बटन ऑन ऑफ करण में एनर्जी पे दिया या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर में तवानाई जाया पे क्या तो या मुझे ला जाया थी लॉस थी पर किथे न किथे गेन थी ना जो गेन थी वही अंडर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सारी गाल डी पुट तो जो अवं एक्शन दींदो या जो फ्लक्स चेंज कौ ओतरो ई एम एफ उनमें लाजमी तौर पर पैदा जहाँ नेगेटिव साइन से शो भी क्या डायरेक्शन के ओके तो नेगेटिव साइन जो बिहेवियर कुछ ही थोड़ा ध्यान दियो तो जो इंड्यूस्ड करंट आ इट फ्लोस इंड्यूस करंट की फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन हमेशा ला इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो पान थोड़ी देर में हुई डिटेल में वनूँ था अच्छा छे अपोजिट में फ्लो टू रिड्यूस द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट सिर्फ उन पैं काज के रिड्यूस करे तो जैन के प्रोड्यूस कर तो सिंपल है पुट ई एम एफ जो इंड्यूस थे तो उनको डायरेक्शन अस दूँ या करंट पैदा थे तो उनको डायरेक्शन अस दूँ लेंस ला या भला ये चो तो लेंस ला तक एक्सप्लेन करे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये समझो इट वेरीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ऐसो तुम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा तीन एनर्जी डिस्ट्रॉय थी लॉस थी हवा में एनर्जी वही तक पगर निकरी मैं ती एनर्जी कैलोरीज बर्न थन तो वही गेन भी थन मैं टोटल एनर्जी वरी भी कंजर्व है तो नेगेटिव साइन शो थी करें तो एनर्जी कंजर्व थी माना जैसे एक्शन का कर रिएक्शन हों समझो या नेगेटिव साइन चवे थी तो लाजमी तौर पर जो हवा जो रिएक्शन आने काउंटर बैलेंस कौन पुट ये उसूल है साइंस जो एक्शन जो रिएक्शन काउंटर बैलेंस कह सो ते पानी जनरली गाल ओके सो ही तुम रो सिंपल कॉन्सेप्ट इनजो हाँ इलाही सारी गालों जी पान चूं छा तो वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर ई एम एफ पैदा थो हाँ अचूँ इन रीजन से तो हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिस क्वेश्चन है इतने जैसे ला कुछ गाल पान मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की कर सके थी तो इनजो पैरों मैथड पा डिस्कस क्यों था कड़ो बाय द मोशन ऑफ मैग्नेट टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द क्वाइल क्वाइल के वेझो तुम मैग्नेट के खो या मैग्नेट के परे कर तो ई एम एफ इंड्यूस हाँ समझाया मुझे बेटा ये तो सही तरीके से समझ ओके डिजन मिसाल तौर पर क्वाइल आ क्वाइल माना अड़े किस्म की स्ट्रक्चर ठीक अच्छा इन वेझो तुम मैग्नेट खी वो मैग्नेट खी वो मैग्नेट जो नॉर्थ पोल अस रखियो वेझो खी वो ठीक है अच्छा या वरी पान चौदा यो साग्यो क्वाइल आ मैग्नेट जो नॉर्थ पोल इन खां परे कयो हाँ लाजमी को अस नॉर्थ पोल ही जो असो गाल कयो ये भी थी सके तो तुम कम कयो अवां यो साग्यो किसो खणो मैग सोलेनाइड या जो भी क्वाइल साग्यो साउथ पोल वेझो आने वाने इंदा कयो या वरी साग्यो अवां जो क्वाइल आ इन जो साउथ पोल वरी परे कयो हाँ पुट मां समझाया तो प्लीज तुम थोड़ा ध्यान दियो अच्छा नॉर्थ पोल तुम वेझो रखियो तो जाहिर नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील होंगी ना मैग्नेटिक लाइन का फोर्स होंगी ना पुट उ मैग्नेटिक लाइन का फोर्स अड़े तरीके से इन फ्लो थी फ्लो थी डेफिनेटली अच्छा पैरी गाल नंबर बी गाल जैसे तुम एक ही हंध मैग्नेट के छड़े दी तो खबर जैसे मैग्नेट के एक ही हंध तुम छड़े दिनों आ तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास थे पी पर करंट पैदा को छो नी सही चवे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर चेंज कर जो मतलब स्टेशनरी मैग्नेट न हो इनके वेझो कर वरी हेठ चवे तो परे कर वरी वेझो कर वरी परे कर वरी वेझो कर परे कर माना ही तक कंटिन्यूसली मूव करणो जो मूव कौ तो फ्लक्स चेंज थी खबर आ तो गाल फ्लक्स चेंज कौ तो कम न तो फ्लक्स चेंज की क्यों या नॉर्थ पोल वेझो आने या वरी पान चौदह साउथ पोल वेझो आने जी तक सही लगे या नॉर्थ पोल वेझो आने या पान गाल साउथ पोल वेझो आने हाँ एक गाल तक समझाया तो प्लीज इन गाल समझो वेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एप्रोचिस टू द सोलेनाइड या टू द क्वाइल तो उनको जो कोई पोलरिटी आ उन भी नॉर्थ ठही वो पर जैक
तवा नॉर्थ पोल परे कंदो तो इनजी जेका पोलैरिटी आ उहा अपोजिट थी वेंदी साउथ थी वेंदी। हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन की होंद नॉर्थ का साउथ आ ना तो ही नॉर्थ आ तो ही साउथ थो। अच्छा जैसे ही साउथ आ तो बो पासो नॉर्थ थो मैग्नेटिक फील्ड वरी हाँ ही थी वेंदी जैसे परे कंदो तो उन सा करंट प्रोड्यूस थी। करंट जो डायरेक्शन की होंद उन पा गाल दिसो जो करंट फ्लो पुट इन में इन करंट जो डायरेक्शन तहां बुधाए सको था लेंसेज ला के जरिए एनडी हाँ गाली सादी समझो जैसे नॉर्थ पोल वेझो खो तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो में फ्लो इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज ये समझो। पर जहाँ नॉर्थ पोल परे कंदो तो जो डायरेक्शन में फ्लो इट वुड बी क्लॉकवाइज। हाँ ही गाल तक खोपड़ी में विहारणी आसो सादो मिसाल आ वरी इन राइट एंड रूल दियो जैसे फील्ड अवानी राइट में आ तो फिंगर्स अवान जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज खबर आ जैसे अवानी फील्ड हेना है फील्ड हेना है तो अकॉर्डिंग टू राइट एंड रूल अवान डायरेक्शन शायद दिसोगा अड़े तरीके से तो यह गाल पा हाँ जो कई उनके मुताबिक भी क्यों ओके सागी तरीके से जैसे ही आए तो इफ साउथ पोल अप्रोचेस तो फील्ड राइट वर्ड आ राइट वर्ड में डायरेक्शन दिसो कि डायरेक्शन हिना दी क्लॉकवाइज इनमें ठीक है। अच्छा पर जैसे फील्ड अवान या अवान जैसे साउथ पोल परे था कहो तो ही जो पोल आंदो नॉर्थ उबुतो पान हाँ पढ़ो जैसे ही नॉर्थ तो फील्ड हाँ एडा थी पुट ए बाबा जैसे फील्ड एडा थी वही तो जो डायरेक्शन इनमें करंट जो वो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ मां वरी तक शॉर्टकट में समझाया तो नॉर्थ पोल माना पॉजिटिव पोल वेझो आणो तो डायरेक्शन पॉजिटिव रोटेशन में होंद पॉजिटिव रोटेशन माना एंटी क्लॉकवाइज ये याद कर पॉजिटिव पोल वरी वेझो आणो तो पॉजिटिव डायरेक्शन माना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पोल परे कयो तो उबतो डायरेक्शन माना क्लॉकवाइज ये गल कर सिंपली। नेगेटिव पोल में वरी उबती वाइस वर्सा वाली कहानी है ये ठीक है ना तो कॉन्सेप्ट पुट इन जो ये ओके नंढड़ी बी गाल ये फ्लक्स या फील्ड जो लाइनू इन में शेयर थियन थी इन पान लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों फ्लक्स लिंकेज माना फ्लक्स लिंकेज के लिंक केतरी थी तो उन पान गाल जो नंबर ऑफ टर्न हों ओतरो फ्लक्स लिंक थी जो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पास ओतरो फ्लक्स भी लिंकेज ठीक। हलो हाँ एक सवाल एमसीक्यूज आ जैसे पान का पुछो वे उन सवाल या एमसीक्यूज से पान गाँव ध्यान दियो मिसाल तौर तो कंडक्टर आ ही एकड़ी वायर आ एक्स खां वाय अच्छा पान नॉर्थ पोल के परे कंदासी परे कंदो जेकने तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ दिसो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ तिन वायर में की फ्लो थींदो भरा वायर में ही फ्लो थींदो माना वायर में फ्लो थींदो फ्रॉम वायर टू एक्स फ्लो थींदो जेकने हते गाल कयो आ तो की फ्लो थिया पो थिया क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज माना पो एक्स टू वाय थिया हाँ अड़े किस्म जो सवाल अची सके तो एक वायर आ कंडक्टर आज लगल आ इफ नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे देन वॉट वुड बी द डायरेक्शन इन द वायर तो वायर में जो डायरेक्शन इन में ना सोलेनॉइड में ना ये जो हेठ कंडक्टर लगाया उनमें डायरेक्शन की पुट दैट वुड बी फ्रॉम वायर टू एक्स। पर जो गाल इफ नॉर्थ पोल अप्रोचेस वेझो तो आने तो एंटी क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज में वही ही होंद यूजन में रखो था। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चवण जो मकसद हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की क्यों तो पा ढी सादी गाल कई पुट मैग्नेट के वेझो आने हाँ यो मेथड नंबर वन बो मेथड कड़ो आ उन वरी हाँ पा अचूँगा तो फिलहाल तुम इनके नोट कर वरी पा कुछ बिंग गाल रुगो मैग्नेटिक अस फ्लक्स ये चेंज को सूँ इन जहाँ बया पॉसिबल तरीका भी तो उन्होंने भी गाल जी बेटा Mm-hmm.